सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कल जहाँ से मैंने वीडियो छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं बना रही हूँ फली की सब्ज़ी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी कि मैं फली की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो यहाँ मैं छौंक रही हूँ फली की सब्ज़ी। इस पर डाल दिया है मैंने जीरा और हींग डाल दिया है, और बाकी अब इसमें डाल दिए हैं टमाटर, नमक मिर्च डाल दूँगी। और बिल्कुल सिंपल से बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें मैंने करना है, क्योंकि सिंपल ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और नमक मिर्च और मेन हल्दी ही है। और तो मन करा कि चलो आज एक टमाटर भी काट लेती हूँ, टमाटर मैं बहुत ही कम डालती हूँ सब्ज़ियों में। तो यहाँ देखिएगा सभी कुछ डल रहा है, नमक मिर्च हल्दी जो भी कुछ फली वगैरह में डलता है, बस यही मेन मेरा मेन मसाले मेरे यही होते हैं। और ये देखिए आजकल हींग का और थोड़ा गरम मसालों का प्रयोग भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ इसी तरीके की हो रही हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हींग भी डालना पड़ रहा है। और सर्दी की वजह से थोड़ा सा खाने में गरम मसाले का यूज भी मैं कर रही हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ इनका यूज। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को अच्छे से, यहाँ से टमाटर वगैरह को अच्छे से मतलब कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा गल जाए। खड़े खड़े से रखते हैं ना, तो बेटा खाने में थोड़ा सा इसको परेशानी करता है, तो इस वजह से बिल्कुल अच्छे से इसको करना पड़ते हैं। तो ये देखिएगा अच्छी सी चटनी सी बन गई ना, ऐसे ही खाने को बहुत मन हो रहा है। ऐसे जब भूख लगी हो ना तो ऐसी चटनी बना के, टमाटर और प्याज की चटनी बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिएगा मैंने इसमें डाल दी है फली। और ये देखिएगा ज़्यादातर मेरे साथ क्या होता है ना, फली में फली ऐसे ही रह जाती है साबुत साबुत, और दो तीन फली इसमें रह गई थी, तो कुछ को तो मैंने तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इसमें से दो तीन फलियाँ अभी रह गई थी। तो मैंने कहा बाद में चलो इसे करछी से कर दूँगी, क्योंकि मसाला फिर अच्छे से अंदर नहीं जाता है। फली तो पक जाती है लेकिन मसाला नहीं जा पाता है अच्छे से अंदर। और जब जब मैं सब्ज़ी डाल रही थी ना, तब तब मुझे एक आधा फली मिल रही थी, मतलब तो ऐसा अक्सर हो जाता है फली में, या तो अलग रख के काट रहे हो। मुझे आ रही है नींद, और मैं बाद में एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो नींद बहुत तेज़ी से आ रही है। तो यहाँ पर फली वगैरह अच्छे से सब मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और आजकल ना आलू, नए आलू है ना, इनकी सब्ज़ी बड़ी स्वाद लग रही है। तो सब्ज़ी में डले हुए जो है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आलू खाने में आजकल, नहीं तो मैं पहले बहुत ही कम आलू खाती थी, तो आजकल अच्छे लग रहे हैं तो खा ले रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनको खाने में, पता नहीं कैसे, क्योंकि नए आलू का स्वाद कुछ चेंज तो होता ही है। खैर, तो ये देखिएगा ये फली ना मैंने ऐसे ही इसमें तोड़ दिए, और इसी तरीके से इनको तोड़ दूँगी। और अब लगा लेती हूँ इसमें ढक्कन, क्योंकि सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अब ये धीमी आँच में मैं इसे पकाने रख दूँगी, और बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी ही ये पक जाएगी। इतनी देर में मेरी रोटियाँ बनेंगी ना, इतनी देर में ये फली फर्स्ट क्लास से पक जानी है। तो चलिएगा करते हैं कुछ और काम, और सब्ज़ी को देती हूँ ढक, और इधर की तरफ को मैंने जो है ये देखिएगा अच्छे से लगा देती हूँ, जिससे कि ना भाप बन जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स खाना बन गया है, खाना बिल्कुल ओके है। ये देखिएगा बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी लग रही है ना। तो चलिएगा मुझे लग रही है भूख, मैं करती हूँ डिनर। तो आप लोग भी आ जाइएगा जिस जिसको ये वाली फली अच्छी लगती है। तो चलिएगा करते हैं इसके बाद और काम और आप। तो फ्रेंड्स ये है अगले दिन मॉर्निंग का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं स्कूल में हूँ, और ये धूप मतलब सॉरी बारिश के बाद जो धूप निकली है ना, तो मैं पौधों को देखने ऊपर निकली थी। तो ये देखिएगा फूल कितने सुंदर आ रहे हैं ना, कहते हैं इस पर फूल बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे दूसरे गमले में भी आई थी और इस गमले में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका फूल, और ना बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल टाइट टाइट सा। तो फ्रेंड्स चलिएगा छुट्टी का टाइम होने वाला है, और हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो आप देख सकते हैं आजकल फाटक के ऊपर से ही जाना हो रहा है, तो इसीलिए ये व्यू ले लेती हूँ मैं कभी कभी। और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे टाइम शाम का टाइम हो रहा है, और इस टाइम सोना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपके साथ में शेयर कर रही थी यहाँ अपने हापुड़ के पुल को, उसके ऊपर से ना तो बाहर की तरफ अपनी कॉलोनी की तरफ को देख तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स घर आके बस पूरा दिन बिजी रहा, और ये है रात का वीडियो। तो बेटे का आने का टाइम हो गया था, और मैं बना रही थी यहाँ पर पराठे, तो उसका मेरे पास फ़ोन आ गया था कि मम्मी आप पराठे वराठे तैयार रखो।
तो मैंने कहा चलो जब तक आएगा तब तक मैं जग में चाय रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर दोबारा दोबारा गर्म करना ये सब ठीक नहीं लगता। और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, क्योंकि बेटे को आज आलू के पराठे खाने का मन था। और ये देखिएगा मुझे, मैं दिन भर तो रहती हूँ रजाई में और रात को इसी तरीके से यहाँ मतलब रसोई में काम कर रही हूँ। अच्छा लग रहा था क्योंकि आज का दिन जो था ना, बहुत ही गर्म दिन था, बहुत ही मतलब तेज़ अच्छी धूप निकली थी, तो आज मन थोड़ा सा ना अच्छा सा हो रहा है। तो पराठे बन रहे हैं, चाय बन चुकी है, इसी तरीके से लगी हुई हूँ मैं अभी काम में। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ मेरे व्लॉग में। फ्रेंड्स जो पराठे बन रहे हैं वो बन रहे हैं देसी घी के पराठे, क्योंकि देसी घी के पराठे ना गरम गरम खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और वैसे मैं घी का प्रयोग कम करती हूँ, तेल गरम करके रखा रहता है ना, तो उसी के पराठे बनाती हूँ। लेकिन अभी आज इस टाइम पे जो है मैं घी के ही पराठे बना रही हूँ। मैंने कहा अपने लिए क्या तेल के बनाऊँ, तो पराठे और से ही घी के, और एक दिन खाने से खैर कुछ नहीं होगा। तो चलिएगा ये देखिएगा कैसे गरम गरम बढ़िया धासु से पराठे बन रहे हैं, और खूब मैंने इनके अंदर आलू भरा हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद आज आलू के पराठे खाने का मन था, तो बेटे की भी सहमति हो गई, तो भी फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना ही मन हो और बच्चे का मन ना हो ना, तब फिर उस टाइम फिर भी फिर अच्छा सा नहीं लगता है कि उसके लिए कुछ और बनाना पड़ता है, फिर अपने लिए कुछ और। आजकल ना मूली भी बहुत हो रही है, तो मैं बस अब कल लेकर आऊँगी, जब स्कूल से आऊँगी ना तो मूली लेकर आऊँगी और मूली के बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मन कर रहा है मेरा भी पराठे खाने का मूली का। और वहाँ पानी आ रहा था तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ बर्तन भी निकाल देती हूँ, और पराठा इसमें लास्ट पराठा है तो ये सिकता रहेगा, ज़्यादा मुझे बनाने थे नहीं। और इसी करके जो है ये देखिएगा अच्छे से करारा हो जाएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे। और ये देखिएगा यहाँ पर जो छोटे मोटे बर्तन वगैरह थे चाय वगैरह के, तो मैंने कहा सब इनको हाथों हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना पानी चला जाता है तो उसके बाद फिर पानी या तो फिर एक टाइमिंग होता है पानी का, तो फिर चला जाता है, फिर उसके बाद फिर सारे बर्तन वगैरह जो धोने पड़ते हैं सुबह के टाइम धोने पड़ते हैं, तो उस टाइम बहुत देर लगती है, क्योंकि सुबह एक तो वैसे ही लेट हो रहे होते हैं हम लोग, ऊपर से फिर ये सब बर्तन वगैरह का काम तो ये ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी मैं शाम को जितना मुझसे हो सकता है मतलब रात में उतना मैं निपटा के सोती हूँ, और कभी कभी तो पानी तब तक आ रहा होता है कि जब तक हम खाना वाना खा लेते हैं तब भी आ रहा होता है, तो फिर मैं सारा ही काम निपटा के सोती हूँ रात को। तो ये देखिएगा वहाँ पराठे वराठे बन गए हैं, चाय भी बन चुकी है, बस बेटे के आने का इंतज़ार है।
और फिर हम लोग करेंगे डिनर। तो कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो बताइएगा आप लोग ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत रहती है। क्योंकि बिना सपोर्ट के बिना आपके सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन रहता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा जितना भी हो सकता है। तो ये देखिएगा, पराठे को मैं रख देती हूँ इधर और ये इसको भी मतलब धुल देती हूँ। तो जितने भी बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं सबको लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी पानी सा रहता है तो किचकिच रहती है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ बाय बाय।